जम्मू की सड़कों पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इंसाफ मांगा जा रहा है। वो इंसाफ किसका मांगा जा रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। पर शिवसेना हिंदुस्तान की तरफ से आज एक उग्र प्रदर्शन जम्मू की सड़कों पर किया जा रहा है। और हाथ में जो आप प्ले कार्ड देख पा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि एलजी शंकर सिंह को इंसाफ दो। यानी कि ये शंकर सिंह कौन है और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से किस बात के लिए इंसाफ मांगा जा रहा है, ये तमाम चीजें भी यहाँ पर देखेंगे। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर जो इनके हाथ में है, क्या कुछ अभी इसको लेकर कहते हैं ये भी जानेंगे। क्या कहेंगे आज के प्रदर्शन को लेकर और किस बात का इंसाफ जो है वो आप उपराज्यपाल से मांगेंगे। मैं गणेश चौधरी, शिवसेना हिंदुस्तान युवा प्रदेश अध्यक्ष। थोड़े दिन पहले हमारे राष्ट्रीय श्री पवन गुप्ता जी जम्मू के दौरे पर जहाँ पे आए थे, हमारे जो देश का बेटा, जो हमारे देश का युवा शंकर सिंह जी, इसने राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पवन गुप्ता जी को, प्रधान जी को अपनी आप बीती सुनाई। क्योंकि जो इनके फादर साहब थे वो MES में नौकरी करते थे, जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद इनके ताया जी ने धोखाधड़ी से अपने बेटे की दर्शन सिंह की MES में नौकरी लगवा ली। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन गुप्ता जी ने एक लेटर पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी को लिखा, एक गवर्नर साहब को लिखा, एक गृह मंत्री को लिखा, लेकिन आज तक सरकार में जरा भी गूंज नहीं गुजरी। उस लेटर का कोई जवाब नहीं दिया गया। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, अगर हमारी सरकार इन युवाओं को, हमारे जो देश के बेटे हैं, अगर इन लोगों का इंसाफ नहीं दिलवा सकती, किन लोगों का इंसाफ कर सकती है? CBI की इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर उसने जाली डॉक्यूमेंट लगाए, इस बेटे के साथ अत्याचार हुआ, शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हमारा जो आंदोलन है, ये मीडिया के थ्रू एक मैसेज है MES डिपार्टमेंट को और माननीय साहब गवर्नर को और मोदी सरकार को। हम ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इस चीज की इंक्वायरी की जाए और इस बेटे शंकर सिंह को इंसाफ मिल जाए, जो उसकी नौकरी है इसे MES में वापस दी जाए, इसे हल्का नहीं समझा जाए। अगर इसे ढीलापन दिखाया गया, शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी जहाँ जहाँ हमारा संगठन है, हम रोडों पर आ जाएंगे। क्योंकि हम देश के, कोई भी हमारा देश का बेटा है, जो देश का विषय है, उसके साथ भी इंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोशिश करें, क्या ये जो तस्वीर हम ये कर रहे हैं, ये जो है, जो इसका ताया है बंसीलाल और इसका जो दर्शन सिंह है जिसको नौकरी MES से मिली है, ये उसके फोटो हैं। हम चाहते हैं कि CBI इंक्वायरी हो और जो पूरी जांच होनी चाहिए, इस बेटे शंकर सिंह को इसकी MES की नौकरी मिलनी चाहिए। हर डिपार्टमेंट में गया, हर जगह पर गया, पर इसकी सुनवाई नहीं हुई। आज इन्होंने हमारे संगठन में पहुंचे, हमारे राष्ट्रीय पवन गुप्ता जी ने हमें देख लिए कि आप जम्मू में प्रोटेस्ट करो, लेकिन आने वाले दिनों में हम पूरे स्टेडियम में प्रोटेस्ट करेंगे अगर LG साहब ने, जब मोदी सरकार ने कोई डीला बंद खाया, MES डिपार्टमेंट उस चीज की इंक्वायरी करे, इस बेटे को इसकी नौकरी दे, इसे इंसाफ दे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप देख चुके हैं अपने स्क्रीन पर और क्या कुछ इस प्रदर्शन से जुड़े कहते नजर आए हैं, ये भी आपने सुनने की कोशिश की है। इंसाफ की गुहार अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से लगते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मसले को आप किस तरह से देखते हैं और उपराज्यपाल अब इस पर क्या कुछ एक्शन लेंगे, भी एक देखने वाला विषय होगा। तो बना रही आप आगे अपडेट्स के लिए और टाइम्स के साथ मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।